Hello my dear friends, how are you? Welcome on my YouTube channel Way to JRF. अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन. आज का टॉपिक है थ्योरीज ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट. ह्यूमन डेवलपमेंट की कौन कौन सी थ्योरी हैं वो हम डिस्कस करेंगे. एंड आई एम आकांक्षा सिंह. आई एम परसुइंग माई PhD फ्रॉम वसंतराव नाइक मराठवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र. एंड आई हैड क्वालिफाइड बोथ नेट एंड SRF. वे टू JRF, लेट्स क्रैक इट. नाउ स्टार्ट द वीडियो. ये है ह्यूमन डेवलपमेंट की थ्योरीज. क्या क्या ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी है? फ्रूट की साइकोलॉजिकल थ्योरी, फ्रूट साइकोसेक्सुअल थ्योरी, एरिक्सन्स स्टेज ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट, कोल्सबर्ग्स स्टेज ऑफ मॉरल डेवलपमेंट, पियाजेज स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट. हम एक एक करके थ्योरी को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले डिस्कस करेंगे फ्रूट की साइकोएनालिटिकल थ्योरी. और हाँ, अगर आप सब ने नेट का एग्ज़ाम दिया होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपका एग्ज़ाम कैसा हुआ एंड कैसे क्वेश्चंस पूछे थे एग्ज़ाम में. एंड साथ ही टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप लिंक से टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. वहाँ पर आपको सारी PDF मिल जाएंगी. सो पहले डिस्कस करते हैं फ्रूट की साइको एनालिटिकल थ्योरी क्या है. साइको एनालिसिस वॉज फाउंड बाई सिगमंड फ्रूड. जो सिगमंड फ्रूड हैं, इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी दी थी. द एम ऑफ साइको एनालिसिस थ्योरी इज़ टू रिलीज करना रिप्रेस्ड इमोशनल एंड इमोशंस एंड एक्सपीरियंस दैट इज मेक द अनकॉन्सियस कॉन्सियस. जो मेन एम था साइको एनालिसिस थ्योरी का, वो ये था कि जो भी इमोशंस रिप्रेस्ड हैं, मीन्स जिनको दबा के रखा है या जिनको एक्सप्रेस नहीं किया है, उन एक्सपीरियंस को, उन इमोशंस को एक्सप्रेस करना, रिलीज़ करना, उसको बोलते हैं साइको एनालिसिस. साइको मीन्स बिहेवियर, इमोशंस, एनालिसिस उनके बारे में पढ़ना, उनको जानना. तो मेक अनकॉन्सियस कॉन्सियस मीन्स जो माइंड में कुछ हमेशा माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है, तो जो वो अनकॉन्सियस स्टेट में चल रहा है उसको फील करना, उसको एक्सप्रेस करना, उसको एक्सपीरियंस करना, उसको मीन्स कॉन्सियस में लाना, इसको बोलते हैं साइको एनालिसिस. साइको एनालिसिस इज़ कॉमनली यूज टू ट्रीट डिप्रेशन एंड एंग्जाइटी डिसऑर्डर. जो साइको एनालिसिस थ्योरी थी, इसको सबसे पहले यूज़ किया जाता था कि ऐसे पर्सन्स जिनको डिप्रेशन है या एंग्जाइटी है, तो उनका डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ट्रीट करने के लिए साइको एनालिसिस की थ्योरी यूज़ की जाती थी. क्योंकि डिप्रेशन में भी इमोशंस डिस्टर्बेंस होता है, एंग्जाइटी में भी इमोशन डिस्टर्बेंस, तो इमोशंस को रिलीज़ करना, उनके बारे में समझना, इसको तो इसके लिए जो साइको एनालिसिस थ्योरी है उसको यूज़ किया जाता था डिप्रेशन और एंग्जाइटी के लिए. द आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो आर द थ्री एस्पेक्ट ऑफ माइंड फ्रूट बिलीव टू कंप्राइज अ पर्सन्स पर्सनालिटी. ये जो माइंड के जो तीन स्टेट हैं, तीन एस्पेक्ट्स हैं, वो हैं आईडी, ईगो, सुपर ईगो. और इन्हीं तीन चीज़ों को मिला के बनती है पर्सन की पर्सनालिटी. आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो, ये जो है ये पर्सनालिटी के डायनामिक्स हैं. इन तीन चीज़ों को मिला के बनती है पर्सनालिटी, वो है आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो. अब हम डिस्कस कर, ये हिंदी में है तो हिंदी में भी आप देख लीजिएगा फ्रूड का साइकोएनालिटिकल थ्योरी. एंड इसकी एक प्लेलिस्ट है ह्यूमन डेवलपमेंट की, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, तो आप प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कर लीजिएगा. इसके पहले इसके तीन पार्ट्स आ चुके हैं, तो आप वो भी ज़रूर देखिएगा. नेक्स्ट आता है आईडी. इट इज़ द ओरिजिनल पर्सनालिटी. जो आईडी है ये ओरिजिनल पर्सनालिटी होती है, मीन्स जो है सामने, जो दिख रहा है, दैट इज़ ओरिजिनल पर्सनालिटी इज आईडी. इट इज़ कंसिस्ट ऑफ एवरीथिंग साइकोलॉजिकल दैट इज़ इनहेरिटेड एंड दैट इज़ प्रेजेंट एट बर्थ. ये जो आईडी है, ऐसे चीज़ों से मिलके बनी होती है जो बर्थ के टाइम से प्रेजेंट होते हैं या इनहेरिटेड होते हैं. जो बाई बर्थ जो चीज़ें मिलती हैं उसको बोलते हैं आईडी. ऐसी पर्सनालिटी जो बाय बर्थ मिलती है उसको बोलते हैं आईडी. फ्रूट कॉल दैट आईडी इज़ द ट्रू साइकिक रियलिटी. क्योंकि जो बाय बर्थ मिला है, जो इनहेरिटेड है, वो ऑब्वियसली ट्रू ही होगा, तो आईडी को बोलते हैं ट्रू साइकिक रियलिटी. इट रिप्रेजेंट्स द इनर वर्ल्ड. इनर वर्ल्ड मीन्स जो माइंड में अंदर कुछ कुछ चल रहा है, दैट इज़ अनकॉन्सियस माइंड डिवॉइड ऑफ नॉलेज ऑफ ऑब्जेक्टिव रियलिटी. एक आईडी है, आईडी मेनली एक्सप्रेस करती है जो इमेजिनेशन चल रहा है माइंड में, जो इमेजेस हैं, जो हम लोग सोचते हैं, इसको जो एक्सप्रेस करता है उसको बोलते हैं आईडी. आईडी जो है ये रियलिटी, जो रियल ऑब्जेक्ट्स हैं, रियल वर्ल्ड है, उससे आईडी का कोई रिलेशन नहीं है. आईडी
जो है वो इमेजिनेशन क्या है, थिंकिंग क्या है, इसके बारे में बताता है। ये है हिंदी में कि आईडी क्या है। आईडी देन आता है ईगो। इट हेल्प्स इन मेंटेनिंग रियलिटी ऑफ सेंस ऑफ एन इंडिविजुअल। ईगो जो है ये मेनली रियलिटी पे फोकस करता है। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आईडी एंड ईगो दैट आईडी नोज ओनली द नीड ऑफ माइंड, मीन्स आईडी को सिर्फ ये पता है कि हमारे माइंड में क्या चल रहा है, हमारे माइंड को क्या चाहिए। लाइक किसी को भूख लगी है तो माइंड में एक फूड की, एक खाने की इमेज आ गई, दैट इज़ आईडी, कि हमारे दिमाग को ये लग रहा है कि हाँ खाना चाहिए। अब जो दिमाग में चल रहा है उसके बारे में बताया, वो है आईडी। बट जो ईगो है वो डिस्टिंग्विश करता है बिटवीन द नीड ऑफ माइंड एंड रियलिटी। जैसे भूख लगी थी, माइंड में एक इमेज बन के आया फूड का कि हाँ ये खाने की थाली है, ऐसा ऐसा खाना है। ईगो इज सेट टू ओबे द रियलिटी प्रिंसिपल। और ईगो जो है वो रियलिटी प्रिंसिपल को फॉलो करता है, जो रियल में जो चाहिए माइंड को, या फिर रियल में जिसको चाहिए। ये है हिंदी में, तो हिंदी में भी ज़रूर देखिएगा आप। ये है नेक्स्ट सुपर ईगो। इट डेवलप्स अराउंड द एज ऑफ 4 to 5। जब एज 4 to 5 ईयर होती है तब ये सुपर ईगो डेवलप होता है। दिस इज़ ओनली अबाउट मोरालिटी, ये मोरल के बारे में होता है। सुपर ईगो इज़ डेवलप्ड बाई फैमिली वैल्यूज़ एंड आइडिया ऑफ सोसाइटी। जो सुपर ईगो है ये फैमिली की जो वैल्यूज़ हैं, मीन्स फैमिली में क्या कल्चर है, क्या वैल्यूज़ हैं, सोसाइटी का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ के आइडियाज़ कैसे हैं, ये इससे मिलकर सुपर ईगो डेवलप करता है। इट इज़ रेनफोर्स्ड अपॉन द चाइल्ड्स थ्रू रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट बाई द पेरेंट्स। ये रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट, जैसे बच्चा है उसने कुछ अच्छा काम किया तो उसको रिवॉर्ड्स मिलते हैं, कुछ गलत शरारत किया, गलत काम किया तो उसको पनिशमेंट मिलता है। तो ये रिवॉर्ड और पनिशमेंट से बनता है सुपर ईगो, मीन्स कि अच्छा काम करेंगे तो प्रेजेस होंगे, गलत काम करेंगे तो पनिशमेंट मिलेगा, इसको बोलते हैं सुपर ईगो। द चाइल्ड ग्रो अप, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय आईडी, ईगो एंड सुपर ईगो। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, ग्रो करता है, उसकी जो पर्सनालिटी होती है वो आईडी, ईगो और सुपर ईगो से कंट्रोल की जाती है। बट इन तीनों चीज़ों के साथ साथ ईगो लीड्स द वे, क्योंकि ईगो जो है वो रियल वर्ड्स के साथ रियलिटी को बताता है। तो इन सब तीनों के तीनों में ईगो आगे निकल जाता है। ईगो का मेन इफेक्ट होता है पर्सनालिटी पे। ये हिंदी में है, आप देख लीजिएगा। एंड फॉर TGT PGT प्रिपरेशन और NET JRF 2021 प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू। ये है मेरा फेसबुक पेज एंड दिस इज़ द यूट्यूब चैनल Way to JRF। आप दोनों जगह पे मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। अगर वीडियो आपको पसंद लगी हो तो चैनल सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू, बाय बाय।